नुआ संसद भवन छात उपरे उन्मोचित होता अशोक स्तंभ को नहीं आरंभ हो राजनीति। पुराणा अशोक स्तंभ एवं नुआ अशोक स्तंभ मध्य अनेक फरक रही। पुराणा अशोक स्तंभ सिंहगुड़िक जमी से मुह खोलीना जी नुआ अशोक स्तंभ में रही। नुआ अशोक स्तंभ सिंहगुड़िक हिंस्र देखा विरोधी दल नेता अभोग करते पूर्व अभोग पर एथर विरोधी पक्षर अमूलक अभोग धरा पड़ी। खोद सहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ट्वीट कर यार पोल खोली। जदि सारनाथ में प्रतीक को बड़ कर कि संसद भवन प्रतीक को छोट कर दिजाव तेज उभय कौन अंतर रही। सारनाथ अशोक स्तंभ 1.6 मीटर उच्च संसद भवन में लगी प्रतीक 6.5 मीटर उच्च तेणु दुईट प्रतीकर तुलना करने पूर्व लंबा उच्चता और कोणर प्रभाव को मध्य भल भाव देखा दरकार। प्रकृत में देखा गले विरोधी कर्णाटक विधानसभा उपरे लगी सिंहर प्रतीक को देखा एभली मिथ्या अभियोग आ। सेपटे इतिहासकारी एभली अभियोग को खंडन करिछन्ते कलाकृति एक कलाकार द्वारा समयोचित प्रतिफलन बोली इतिहासकार कहते। अशोक स्तंभ इतिहास गौतम बुद्ध सहित जोड़ी रही। सम्राट अशोक यह आकृति को तैयारी करते। अशोक स्तंभ आकृति को जितेबाला संविधान अंश भाव ग्रहण करते एक वर्ष युवक दीनानाथ भार्गव यार दायित्व नहीं। दीनानाथ को यार दायित्व दि जाइला। दीनानाथ ए बाबद विशेष अध्ययन करते से आकृति संविधान पुस्तक में देखा मिले इतिहासकारी मत रखिंट। हमें लगता है कि वो अशोक स्तंभ नहीं कहना चाहिए। अशोक स्तंभ तो अशोक स्तंभ है जो सारनाथ में है, लेकिन उसकी अनुकृति बनाई गई है। वो अनुकृति प्रोपोर्शनेट बहुत बड़ी बनाई गई है, जो 6.5 मीटर के आसपास है और ब्रांच की बनी हुई है, जैसा हम लोगों ने देखा उसको टीवी में देखा, और उसके अलग अलग एंगल से हम लोगों ने देखा, जो आज का टेक्नोलॉजी है उसके हिसाब से उसको दिखाने का प्रयास किया गया है। और उसमें हमें लगता है कि उसकी साइज इतनी बड़ी है कि जिसमें अगर व्यक्ति खड़ा हो और फोटोग्राफी कैमरे से अगर हम फोटो करें तो एरियल या जो हमें लीनियर व्यू होना चाहिए वो उस तरीके से अगर हम देखें तो वो इतनी बड़ी है कि उसमें आपको लगता है कि कुछ डिस्टॉर्शन है, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं है कि अगर हम उसे आई लेवल पे शूट करें, आई लेवल पे देखें और हम समझते हैं कि वो जो संसद भवन का जो मेन बिल्डिंग है, मेन भवन है, उसके ऊपर लगा है, तो अगर हम दूर से उसको हम देखेंगे तो जो हमारी जो ओरिजिनल जो मूल जो सिंह सीट्स है उससे अंतर नहीं होगा। देखिए ये बातें जो है ना, हमें लगता है कि इस तरीके की चीज़ें नहीं होनी चाहिए और जो की जा रही है वो जरूर प्रेरित है, उसमें कोई ऐसा भाव है ही नहीं है। और जब नेक संकल्पों को लेकर के अगर किया गया काम है, चूँकि वो ग्राफिक फॉर्म में नहीं है, आर्ट फॉर्म में है, तो उसको आर्ट फॉर्म में स्वीकार करना चाहिए। और रही बात एम्ब्लम की बात, वो भावनाओं को संप्रेषित करता है, हमें ये देखना है कि वो भावनाएं संप्रेषित कर पा रही हैं या नहीं। हमें लगता है कि कलाकार ने जो काम किया है वो पर्सपेक्टिव और दूसरे और कारणों को ध्यान में रखते हुए उसने काम किया है। बाबद अधिक सूचना पाई हम सहित दिल्ली प्रतिनिधि गगन विश्वाल जोड़ी होती। गगन, ये अशोक स्तंभ निर्माण को लेकिन कहीं एभली अमूलक बृत्ति एवं कहीं राजनीति कर आमे अनेक प्रसंग रे देखिछु, अनेक बिल जेतेबेले आसे बा अनेक जेतेबेले केंद्र सरकार किछ स्टेप नियंती ताकु विरोध करिया पई जाईकी विरोधी विरोध करंती, किंतु परवर्ती पर्याय रे सेमाने पछि जांदी। जेंती इतिहासकारक प्रतिक्रिया कथा कोंदु बा बीजेपी रो सांसद कथा कोंदु बा केंद्रमंत्री हरदीप सिंह पुरी कथा कोंदु, सेमाने जो ट्वीट करचंदी से ट्वीट रे सबु तथ्य को एवं सबु चित्र को सेमाने चित्रित करचंदी, एवं सारनाथ रे जो अशोक स्तंभ कथा कहउची ताकु मध्य सेमाने सेठी एस्टेब्लिश करचंदी, एवं ई नुआ कथा नुहे जो कथा पूर्वरु थिला सही कथा को ही एस्टेब्लिश कराई छी। कहीं ना देखिए अशोक स्तंभ
ଭାରତର ଜାତୀୟ ପ୍ରତୀକ ବୋଲି ମନାଯାଏ, ଜାତୀୟ ସଂକେତ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ନ୍ୟୁ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ହଲ ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ଇନାଗୁରେସନ ହବ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସେଠି ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ କଲେ, ତେଣୁ ତାର ଏକ୍ଚୁଆଲି ଡାଟାକୁ ନ ନେଇ ଯେମିତିକି ଆଇ ଲେବୁଲ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କଥା ଇତିହାସକାର ମାନେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେଭଳି ତଥ୍ୟ ନ ନେଇକି ଏଭଳି ଟ୍ୱିଟ୍ କରିବା, ଏଭଳି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରିବା, ହୁଏତ କିଛି ଯୋଉ ଅଲଗା ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। କାହିଁକିନା ଦେଖିବେ ଯୋଉ କାଳୀ ମାତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଯୋଉ ବିବାଦ ଘନେଇଥିଲା ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ, ସେ ହିଁ ଯୋଉ ବିବାଦୀୟ ବୟାନ ଦେଇଥିଲେ ମହାମିତ୍ର, ସେ ହିଁ ପ୍ରଥମେ ଟ୍ୱିଟ୍ କରିଥିଲେ, ତାପରେ ଜୟରାମ ରମେଶ ଟ୍ୱିଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଯୋଉ ଗୋଟେ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ତୁମି ତୁପାନ ହଉଛି, ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଏଡେଇବା ପାଇଁ ହୁଏତ ଏଭଳି ଏକ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଗଣାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଇଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅମୂଳକ ଏବଂ ୟାର କୌଣସି ଯଥାର୍ଥତା ନାହିଁ ବୋଲି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଇତିହାସକାର ମାନେ ସ୍ପଷ୍ଟ କଲେଣି। ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସାରା ଭାରତବର୍ଷରୁ ଏଭଳି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି, ଯୋଉଟା ଅଶୋକ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ କରିଥିଲେ ସାରନାଥରେ ଯୋଉ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି ସେଇ ଧରଣର, ଏବଂ ସିଂହ ପାଟି ଖୋଲା ଚିତ୍ରକୁ ହିଁ ଏଠି ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ କରାଯାଇଛି, ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଟ୍ୱିଟ୍ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଟ୍ୱିଟ୍ରୁ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବେ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମଧ୍ୟ ଏଡ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ଯୋଉ କଥା ଆପଣ ଦୀନାନାଥ ଭାର୍ଗବ କଥା କହୁଥିଲେ, ସିଏ ଯୋଉ ଚିତ୍ରିତ ଦେଇଥିଲେ ବା ଯୋଉଟା ଆମର କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ରେ ଚିତ୍ରିତ କରାଯାଇଛି, ତାର ମଧ୍ୟ ଦେଖିବେ ମୁହଁ ଖୋଲା ରହିଛି। ଆପଣ ପଇସାର ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେ, କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ର ଯୋଉ ଆମର ରାଇସିନା ହିଲ ରହିଛି, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନ କୁହନ୍ତୁ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭବନ କୁହନ୍ତୁ, ସଂସଦ ପରିସର କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସବୁ ଜାଗାରେ ଯୋଉ ଅଶୋକ ସ୍ତମ୍ଭ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ କରାଯାଇଛି, ସେ ସବୁ ଗୁଡିକର ଦେଖିବେ ମୁହଁ ଗୁଡିକ ସିଂହ ଗୁଡିକର ଖୋଲା ରହିଛି। ତେଣୁ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଇଏ ଗୋଟେ ଭୁଲ ଚିତ୍ରିତ କରାଯାଇଥିଲା, ଭୁଲ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଥିଲା, ଯାହାର ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ବା ଗୋଟେ ଯୋଉ ଟ୍ୱିଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଉ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ହୁଅନ୍ତୁ, ବିଜେପି ଦଳର ସାଂସଦ ମାନଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସେ ଚିତ୍ର ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଇସାରିଛି। ତେଣୁ ବିରୋଧ କରିବା ନାଁରେ ହୁଏତ ବିରୋଧୀ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ। ଚିନ୍ମୟୀ ବିଲକୁଲ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଗଗନ ଆପଣଙ୍କର ତମାମ ସୂଚନା ପାଇଁ। ଗଗନ ବିଶ୍ୱାଳ ଦିଲ୍ଲୀ ପ୍ରତିନିଧି ଯୋଡ଼ିଥିଲେ ଏବଂ ଆମକୁ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ।